वेतनमान की मांग को लेकर नियोजित शिक्षकों की बीआरसी अमनौर में 16वें दिन भी हड़ताल जारी रही। प्रखंड के सभी स्कूलों में ताला बंद होने से बच्चों के पठन पाठन बंद है। शिक्षकों के समर्थन में भाजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष महेश सिंह ने कहा कि शिक्षा के बगैर देश और राज्य का विकास असंभव है। सरकार नियोजित शिक्षकों से जल्द वार्ता कर इनके जायज मांगों को पूरा करने की बात पर अमल करे। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी हस्तधर्मता छोड़े। बढ़ती महंगाई में अल्प वेतन पर शिक्षक कार्य करते हैं, निश्चित रूप से इनका मांग जायज है। बताते चले कि अमनौर प्रखंड के प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव व मढ़ौरा प्रखंड के भाजपा के उपाध्यक्ष तेजनारायण सिंह ने कहा कि नियोजित शिक्षकों का मांग जायज है। एक ही छत के नीचे किसी शिक्षक को सरकार 1 लाख दे रही है एवं नियोजित शिक्षक को 20 से 25 हज़ार दे रही है, यह कहाँ का न्याय है? अमनौर से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। समान काम के समान वेतन देना होगा, समान काम के समान वेतन देना होगा। मांगे हैं समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन। एक ही विद्यालय में किसी को केंद्रीय वेतन मान मिल रहा है 1 लाख रुपया पा रहा है और उसी विद्यालय में कोई शिक्षक 20 हज़ार और 22 हज़ार पा रहा है। या इस पर शिक्षक हड़ताल किए हैं और जब तक समान काम समान वेतन नहीं मिलेगा हमारी आंदोलन जारी रहेगी। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।